सब खैरियत से। व्लॉग आपने पिछला देखा होगा, रिव्यू भी गाड़ी का आ गया है। तो अभी कुछ और चीज़ें थी जो हमने करनी थी गाड़ी के हवाले से। एक तो इसके रिम्स देखते हैं, दूसरा ये आपको पैनल नज़र आ रहा होगा इसका सिंपल है, जो 2014-15 में आया था, एंड्रॉयड नहीं है। और दूसरा इसका वो टच पैनल नहीं है, ये सारे वो बटन्स हैं। तो अब हम इसको चेंज करवाएंगे और रिम्स का भी देखते हैं आज अगर हो जाए। साथ एक इसकी विंडो जो है काम नहीं कर रही, इसको भी देखेंगे अगर टाइम मिला, वरना वो फिर नेक्स्ट डे पे देखेंगे इंशाल्लाह। तो बस चलें अपना व्लॉग अभी स्टार्ट करते हैं। मैं पिंडी पहुंच गया हूँ नेशनल मार्केट, यहाँ पे एक शॉप वाले हैं, उनसे बात हुई थी। तो अभी अपना काम हम स्टार्ट करवाएंगे, तो आगे व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, इसमें दिखाते हैं आपको साथ साथ। पायर ऑटो डेकोरेशन के नाम से है नेशनल मार्केट में, तो काम स्टार्ट हो गया, आपको दिखाता हूँ। पैनल खोल ली है और यहाँ पे हम वो फ्रंट कैमरा भी इंस्टॉल करेंगे, बैक वाला तो लगा हुआ है, तो पैनल चेंज हो जाएगा हमारा। तो ये देखें पैनल हमारा खुल गया है गाड़ी का। अब आगे फर्दर जो जो काम होगा, पैनल कितने का परचेज़ किया, कौन सा लगाया, वो आपको दिखाते हैं। तो ना पैनल से अब वो निकाल रहे हैं स्क्रीन भाई, साथ साथ काम हो रहा है। दूसरा वो लेने जा रहे हैं, हमने परचेज़ किया है यानी कि जो GB मेमोरी वाइज जो है 2 232 वाला। ये हमारा पैनल खुल गया, ये स्क्रीन है और ये पैनल है, ये इसकी ट्रिम है, सारी चीज़ें डिसमेंटल हो गई। कैमरे की वायरिंग सारी लगा रहे हैं भाई, स्टार्ट किया हुआ है काम, साथ साथ होता रहेगा। ये बॉक्स है इसका जो पैनल हमने परचेज़ किया है, इसका ये पैनल भी साथ है, स्क्रीन भी है और हमने फ्रंट कैम भी लगा लिए, वो आपको दिखाते हैं साथ साथ। बाकी ये इसके स्पेक्स वो हैं 2x32। और ये स्क्रीन का क्या है मॉडल, 9216 इसका मॉडल है, टॉप ऑफ द लाइन है, और टॉप ऑफ द लाइन यानी कि जो सबसे अच्छी क्वालिटी वाइज और सारे पैच। साथ साथ हम वो अपने स्टेयरिंग की स्टिचिंग भी करवा रहे हैं, आपने देखा होगा वीडियो में वो फटा हुआ था, बड़ा बुरा लग रहा था। पैनल हमारा इंस्टॉल हो गया सारा, अब टच स्क्रीन हो गया है, वो बटन्स वाला मसला ख़त्म हो गया। एक ही हमारा रोटेटर जो अंदर गिर रहा था बार बार, इसको सेट कर लिया है। फ्रंट कैमरे की फिटिंग कर रहे हैं, यहाँ से हमने ये कटआउट कर दी है और ये भाई अभी वो मोनोग्राम के अंदर फिट कर रहे हैं। ये कैमरा हमारा इसके अंदर इंस्टॉल हो गया। ये फ्रंट वाला कैमरा जो हमने यूज़ किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसकी कटिंग करके फिक्स की है, वो भी आपको दिखा देते हैं। कस्टम मेड फिटिंग उनने करके दी है लोगों के अंदर। तो इसके अंदर जो AVA ऐप होती है वो जब आप यूज़ करते हैं तो फ्रंट का कैमरा ऑन हो जाता है। कैमरा फिट हो गया, बड़ी सफाई से फिटिंग हुई है इसकी, थोड़ी डस्ट वगैरह नज़र आ रही है क्योंकि ओस होती है, गाड़ी अभी वॉश करवा लेंगे। तो खैर ये इसकी फ़िटिंग आपको दिखानी थी, बड़ी प्रॉपर फिटिंग हुई है मज़े की और रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा था। सामने से धूप थी तो मैंने बोला बाद में आपको दिखाएंगे। साथ ही अली की भी शॉप है, मैंने बोला विज़िट करते हैं दिखाते हैं, उनने कोई कस्टम मेड बैजेस बनाए हुए थे तो वो आपसे शेयर करते हैं। तो जी ये कुछ कस्टम मेड बैजेज़ हैं जो अली ने हैंडमेड खुद बनाए हुए हैं, जिसमें ये होंडा का एक लोगो है, मैट ब्लैक फिनिशिंग में है, प्लास्टिक है ये टोटली, और ये सारा हैंड वर्क है, कोई मशीन से नहीं हुआ हुआ काम। तो काफ़ी फिनिशिंग वाइज काफ़ी अच्छा है और इस तरह ये आपको ग्लास फिनिश में मिल जाता है, ये स्टीयरिंग पे भी लगा सकते हैं आप, और कस्टम मेड है टोटली, कलर भी चेंज करवा सकते हैं। प्राइजेस के हवाले से अली से पूछ लूँगा मैं, साथ साथ बताऊँगा फिर आपको। ये कस्टम मेड फ्रेम बना हुआ है, नंबर प्लेट फ्रेम है, ये भी बना हुआ है होंडाई के लिए नई वाली जो है, और ये कस्टम मेड बैज बना हुआ है स्टोगन, ये भी टोटली कस्टम मेड है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है और डबल प्लास्टिक है, क्वालिटी वाइज अच्छा है, स्ट्रेंथ वाइज अच्छा है, कलर भी फेड नहीं होता। हाँ बहुत ज़्यादा धूप में हो तो जाहिर है एक शेल लाइफ भी होती है चीज़ों। ये भी कस्टम मेड बना हुआ है, ग्लास फिनिश में है, तो बढ़िया यानी क्वालिटी वाइज देखें, फिनिशिंग देखें तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, हम तो हमेशा करवाते रहते हैं। ये इस तरह एल्टो का भी एक बैज है, ये देख लें, ये भी ग्लास फिनिश में है, प्लास्टिक का। तो
तो ये बड़ा है। तो प्राइस वाइज थोड़ा सा गाइड करो कि फॉर एग्जांपल ये होंडा वाला बैज है, इसकी क्या प्राइस है, इसकी क्या जी शाह रुपये। ये बिल्कुल ये डिफरेंट प्राइस के साथ आते हैं क्योंकि हम लोग साइज़ पर डिपेंड करता है और शेप पे। अब जिस तरह ये ग्लास टाइल्स बने हुए हैं 07 के, ये पेयर है, ये फ्रंट ग्रिल का लोगो मोनोग्राम है और ये बैक की, ये 3500 का पेयर है। जिस तरह WXB है जी, ये एक्सियो के लिए है, तो इसकी प्राइस जो है वो 2000 रुपये के दो हैं। और शोगन लोगो ये ये 4500 की ड्यूल कटिंग में आप देख सकते हैं जी, वो डबल कि इसकी जो बैक प्लेट है वो अलग है और उसके ऊपर एजिंग होके मोनोग्राम पेस्ट हुआ है और पेंट जॉब में है, तो ये 4500 के हैं। और जैसे आल्टो के ये भी 3500 के, ये इसका जो वर्क का लोगो है वो एक्रेलिक में ठीक है, और जो उसका आल्टो का लोगो है आप देख सकते हैं जी, ये ग्लास में, तो ये जो है 3500 का। ये नंबर प्लेट फ्रेम फ्रेम्स जो है डिफरेंट प्राइस है कि हमारी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 3000 स्टार्ट है और ये हम लोग देते हैं 4000 तक प्लेट्स ठीक है। ये बड़ी वाली की क्या प्राइस? सेम प्राइस है, पेयर जो है वो 4000 का पेयर है, 4000 ठीक है। तो किसी ने भी अपना कस्टम मेड कोई भी काम कराना हो, ये लाइट भी बनाते हैं मगर करंटली ये इनके स्टॉक में पड़ा था जो मैं दिखा सकता था, इसलिए दिखा रहा हूँ। तो अली का मैं पेज का लिंक शेयर कर लूँगा चैनल में, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जी हमारे अब आपने देखा होगा स्क्रीन फिट हो गई है, फ्रंट व्यू कैमरा चल रहा है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और ये स्टेयरिंग हमने स्टिच करवा ली है, इसके हमने मेरे ख्याल 1200 रुपये दिए हैं और स्क्रीन हमारी जो फिट हुई है इसके कवर के साथ 25,000 हमारा आ गया। और कैमरा हमने कितने का लिया, 2500 रुपये का कैमरा हमारा आया। स्क्रीन ये वो है अच्छी वाली, वरना दूसरी भी थी 20,000 की भी थी, 16,000 वाली भी थी, वो अच्छा खैर GB में कम थी, वो 1/16 थी, ये 3/32 है, फिर उसमें डिफरेंट वैरायटीज़ आती हैं। तो ये है जी एक्सपेंस हमारा इसका। और अभी हम जा रहे हैं शाह सुल्तान रिम देखने के लिए, अल्लाह करे वहाँ पे मिल जाए, वरना वैसे मैंने देखा था इस्लामाबाद G10 में मिल रहा था जो ग्रैंडी में आया था 2015 वाली, तो अब देखते हैं क्या चीज़ मिलती है, रीज़नेबल रहे तो फिर वो दिखाते हैं आपको अब आगे। तो हमें KE70 जैसे अपना रिम नज़र आए, प्राइस मैं पूछ लूँगा, पूछा है इसलिए नहीं कि ज़रूरत ही नहीं, जो चीज़ ढूँढ रहे हैं वो देखते हैं। मगर जो एल्टिस वाला रिम हम देख रहे हैं वो ब्रांड न्यू, एक भाई 60,000 बता रहे हैं, एक 72 बता रहे हैं, एक 80,000 बता रहे हैं, तो हर किसी की अपनी कुछ प्राइजेज हैं, प्राइस ही नहीं समझ आ रही। तो अभी ढूंढ रहा हूँ, सर्च करते हैं फिर देखते हैं क्या फाइनलाइज होता है। अरे रिम का फाइनलाइज हो गया है, अब रिम अनटाई कर रहे हैं तो फिर चेंज करेंगे, वो भाई लगे में रिम उतारने में। कौन सा रिम सेलेक्ट किए, जो पुरानी ग्रैंडी एल्टिस में आता था वही वाला मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी साफ़ सुथरी कंडीशन का मिल गया और ओरिजिनल है, चाइनीज़ या कॉपी नहीं है। ये मैं आपको दिखाना था, मुझे भी नहीं पता था ये एनकाई का रिम है, T5 टोयोटा का ओरिजिनल जो ये पुरानी एल्टिस में आया करता था। तो रिम काफ़ी अच्छी कंडीशन का मिल गया माशाल्लाह से, अब ये चलें गाड़ी अपनी ग्रेस में आ जाएगी। ज़रा पुराने रिम दे के हमें ये 23,000 कह रहे हैं, नोज़ले भी चेंज करके देंगे, पर ये एक रिम जैपनीज़ हो जाएगा। अभी देखते हैं, बड़ी मुश्किल से 1000-1500 छोड़े हैं, अब इससे मज़ीद कुछ और कम करिए तो कोशिश करेंगे, पर लगता नहीं है कि कम होगा। इसके अलावा दूसरा एक ऑप्शन भाई ने दिखाया था ये वाला रिम का, और एक दूसरा ऑप्शन था ये वाला रिम, ये मुझे तो पसंद नहीं आए, हालांकि जैपनीज़ हैं। इसके अलावा इनके पास ये वैरायटी पड़ी हुई है रिम्स की, डिफरेंट टाइप के रिम्स पड़े हुए हैं, टायर्स पड़े हुए हैं। रिम हमारे न्यू इंस्टॉल हो गए, ये जैपनीज़ हैं, पिछले उसमें आपने क्लिप में देख लिया होगा। गाड़ी माशाल्लाह हमारी कंप्लीट हो गई है, ओवरऑल लुक अब गाड़ी की प्रॉपर हो गई है। वैसे कोशिश ये थी कि नए मॉडल वाले हम रिम्स लगाएं, मगर वो एक तो बजट से ज़्यादा आ रहे थे और दूसरा हम चाइनीज़ रिम लगाना नहीं चाह रहे थे, तो ये वजह थी। अब ये कि माशाल्लाह गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, बस व्हील बैलेंस रहते हैं हमारे, और अच्छा हमने रिम चेंज किए तो हमें नट भी चेंज करने पड़ गए क्योंकि इसमें वो कैप वाले नट लगते हैं, तो 2000 के हमें वो भी लेने पड़े एक्स्ट्रा।
बाकी वैसे ब्रिम जो है हमारा बैलेंस होगा। तो ये माशाल्लाह हमारा प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट ऑलमोस्ट, बस अब सीट कवर्स और अंदर की पोशिश रहती है, वो फिर हम कभी करेंगे। इसको पैनल आपको दिखा देता हूँ, माशाल्लाह पैनल से बहुत गाड़ी की लुक चेंज होगी अपेरेंस से, वो अंदर से एक एम्बियंस लुक आती है मज़े की। फिर वो टच वाला पैनल भी है इसलिए भी अच्छी लग रही है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, फिर मुलाकात होती है। सब अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।